में शुरू हो गया है बारिश का मौसम, और जैसे आप देख रहे हो बारिश हो रही थी, पिछले 3-4 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रही है बारिश, सुबह का टाइम है, मैं खड़ी हूँ बालकनी में, तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था मुझे। और अभी ना इन पेड़ों से ऐसे पानी गिर रहा है, इतना ठंडा मौसम है ना, ऊपर देखो आप कितने काले घने बादल छाए हुए हैं। अभी भी बारिश होगी, मतलब अभी भी ना इंद्र भगवान को ना राहत नहीं है इतनी बारिश होने के बाद भी। ये मेरा एकदम सामने का व्यू है, और ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ जाती है, सब कुछ भीगा हुआ है, रात भर बहुत बारिश हुई है, और सामने पेड़ पौधे आप देख सकते हो काफ़ी है। इंडिया में इतनी गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे कि अभी मई और जून आने वाला है, तो जहाँ पे अभी गर्मी का वेदर है और टेम्परेचर आपको पता ही है कि कितना हाई है आजकल, तो यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, तो फील ही नहीं होता कि मतलब इंडिया में है, ऐसा लगता है कहीं और है। इतना बारिश का मौसम चल रहा है आजकल यहाँ पर। सामने बीच है, मैं अभी आपको दिखा रही थी, वहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से लहरें आ रही थी, रात में हाई टाइड होता है तो उसकी वजह से सुबह सुबह भी ना आज बारिश हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा लहरें आवाज़ कर रही थी, बहुत अच्छा व्यू था बाहर का, मतलब अंदर घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद काफ़ी देर मैं वहाँ पर खड़ी रही और व्यू को देखती रही, उसके बाद फिर घर आई, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, वही सब रेगुलर वाला जो रूटीन होता है ना नहाने के बाद। अभी दोपहर हो गई थी तो लंच बनाने का टाइम था। मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी की कढ़ी, जो साउथ की बहुत फेमस होती है डिश, और मुझे भी बहुत पसंद है। यहाँ की जो मतलब ट्रेडिशनल थाली होती है ना, उसमें खास करके आपको लौकी की कढ़ी ज़रूर सर्व किया जाता है। मैंने खाया था कई बार, मैंने खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो मैंने सोचा मैं घर पर बनाती हूँ आज, तो मैं घर पर आज प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लौकी को बड़े बड़े ऐसे पीसेस में काट के रख दिया है बॉयल होने के लिए, और अभी यहाँ पर प्याज काट ले रही हूँ, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, और साथ में कट कर लेंगे हरी मिर्ची, टमाटर डलने नहीं है। और इधर मैं राइस बना लेती हूँ, लंच में मैं आज रोटी नहीं बनाऊँगी, मतलब जीरा राइस बना लूँगी और उसके साथ में कढ़ी खाएंगे, तो कढ़ी के साथ में वैसे भी राइस खाना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। नॉर्थ में भी जब हम लोग थे तो वही पकौड़े वाली कढ़ी जब खाते थे ना बेसन की, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था राइस। तो अभी बस मैंने देसी घी लिया था 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और वैसे ही जीरा डाल दिया जैसे बनाते हैं, जीरा क्रैकल होने के बाद ये राइस ऐड कर दिए हैं, मैंने 1 कप राइस लिया है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से इसी कप से ना 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे, बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। लौकी को भी रखा है दूसरी साइड में बॉयल होने के लिए, उसे चेक कर लेंगे पक गई है या नहीं। लौकी में मैंने डाल दिया था 1/2 चम्मच के करीब हल्दी, और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि अच्छे से पक जाए, और ये मैंने करी पत्ते डाल दिए थे, सारा फ्लेवर अच्छे से आ गया है। लौकी भी पक गई है, आप देख सकते हो ना बहुत अच्छे से पक गई है, मतलब तो इसको मैश भी कर दिया है। इसका पानी जो है ना स्क्वीज आउट नहीं करेंगे, ये पानी जो है ना काम आ जाएगा कढ़ी बनाने के टाइम पर। सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब प्रिपेयर हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं कढ़ी बनाने के लिए। और इसके लिए मैंने ले लिया है फिर से 3 चम्मच घी लिया मैंने, और उसके बाद इसमें डाल देंगे मेथी सीड्स। तो आप देख रहे हो ना कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गई है, सब कुछ अच्छे से धड़क रहा है। मैंने यहाँ पे राई डाल दिया है और मेथी डाल दिया है, क्योंकि जब भी बनाते थे ना कढ़ी घर पर भी तो डालते थे, और इसलिए मैंने डाल दिया है। और जीरा डाल दिया है फ्रेश ढेर सारा, मैंने यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया है, 8 से 10 काली मिर्च डाल दी साबुत, और 1 सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी है। ये है कोकोनट का पेस्ट तैयार किया है मैंने, उसको रख दिया, अभी नहीं ऐड करूँगी। प्याज को पहले अच्छे से गोल्डन कलर होने तक अच्छे से भून लूँगी मैं प्याज को, जैसे कढ़ी में चाहिए होता है ना एकदम फ्लेवर आता है प्याज का, वैसा मुझे चाहिए। और यहाँ पे डाल दिया है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सबको ना दोनों चीज़ों को मतलब मैं एकदम गोल्डन कलर होने तक वेट करूँगी, अच्छे से पकाऊँगी, उसके बाद में सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये देखिए प्याज ऐसा ही कलर चाहिए था मुझे, और अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, सब कुछ मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। अब ऐड करूँगी इसमें जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया हुआ था ना कोकोनट का, ये इसको डालने के बाद जो ग्रेवी होती है ना, मतलब जो कढ़ी होती है ना, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच वाला वो टेक्स्चर आ जाता है ना कढ़ी में, वो चाहिए। तो बस इसको ना अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड किया, जो जार में मसाला लगा हुआ था ना, मतलब ये पेस्ट, उसी को मैंने डाल दिया है इसमें।
और इससे ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है कढ़ी में, वो चाहिए। जब भी हम कोकोनट ऑयल में भी अगर अपन किचन में कुछ पका रहे होते हैं ना, उसकी खुशबू इतनी दूर तक जाती है ना कि पता चल जाता है कि हाँ कोकोनट ऑयल में कुछ पक रहा है। तो ये तो मैंने पूरा का पूरा कोकोनट ही डाल दिया इसमें, बहुत अच्छा एक फ्लेवर एक खुशबू आ रही थी किचन में करी पत्ते की और कोकोनट की। अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने लौकी पानी सहित, इसमें ऐड कर दिया था नमक। अब मैं डालूंगी इसमें एक कप, मैंने यहाँ पे दही लिया था उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है थोड़ा सा और पतला करके अब इसको डाल दिया है। अब हाथ को ना बिल्कुल भी नहीं रोकना है, कंटिन्यू थोड़ा सा चलाना है हाथ को जब तक एक बॉयल आ जाए अच्छे से, क्योंकि फिर दही फट जाता है और वो ग्रेवी को भी ख़राब कर देता है, तो उसका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कढ़ी में। अभी आप देख सकते हो ना कढ़ी बहुत अच्छी है, साइड साइड से आप देख रहे हो ना। मैंने देसी घी लिया था तो उसका बहुत अच्छे से फ्लेवर आ रहा है और उसके बाद खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब हो गया है और उसके बाद राइस भी इधर पक गए हैं, कढ़ी भी पक चुकी है, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। कढ़ी फ्लेम बंद करने के बाद आप देख सकते हो इसका ये बहुत ठीक हो गई थी, तो इतना ही चाहिए था मुझे। अभी इसको ना सर्व कर लेती हूँ। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बनाना लीव्स लिया था, सब कुछ एकदम ट्रेडिशनल था केरला के तरीके से, तो मैंने सोचा इसको बनाना लीव में ही सर्व करती हूँ। तो बस राइस भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पक गए, अभी इसमें स्टीम है भाप है और गर्मा गर्म राइस के साथ में ये कढ़ी खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बस राइस के अंदर इसको डाल देती हूँ और एक बहुत ही केरला वाला फील आ रहा है मुझे। और वैसे भी ना मुझे यहाँ का ट्रेडिशनल मतलब जो खाना है वो पहले से बहुत ज़्यादा पसंद था, डोसा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और बस इसमें डाल दिया ये प्याज के लच्छे सैलेड में, और उसके बाद ये है धनिया और कोकोनट की चटनी, और ये है स्पाइसी लहसुन की चटनी। ये लहसुन वाला अचार जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये है हमारा आज का लंच, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना,